दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाना बनाओ। दोस्तों आज मैं एक ऐसी चीज बनाना सिखा रहा हूँ आपको जो बनाना तो बहुत आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको ढोकला, बहुत पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट बनाने के लिए। दोस्तों करीबन मैंने बेसन लिया है 200 ग्राम, कड़ी पत्ता लिए हैं 15 से 20, सॉल्ट लिया है दोस्तों 2 चम्मच, सरसों दाना लिया है मैंने करीबन 1 से 1.5 चम्मच, अदरक लिए है मैंने जिसको बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल छोटा छोटा करीबन 1 से 1.5 चम्मच, मिर्च लिए हैं 2 से 3 काट लिया है इसको मैंने स्लाइस कर लिया। वाली चाहिए होंगी दोस्तों हमें करीबन 4 बड़े चम्मच और नमक स्वाद अनुसार रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ढोकला बनाना। बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बर्तन को अपने ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें ढोकला बनाना है। नमक डाल लेंगे, साथ के साथ जो हमने अदरक बारीक चॉप करी थी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इनो सबसे लास्ट में डालना दोस्तों। डालेंगे लगातार इसको चलाते रहें इससे इसमें गांठें ना पड़ जाएं। देखिए दोस्तों बैटर तैयार हो गया हमारा, कंसिस्टेंसी देख ली आपको इतनी रखनी है। दोस्तों बैटर के साथ साथ मैंने भगोना रख लिया था गैस पे गर्म, उन्होंने इसमें स्टैंड रखा है। इसके ऊपर मैं बर्तन रखूंगा जिसको मैंने ग्रीस करा है। पानी दोस्तों हमें इतना लेना है जितना ये करीबन 15 से 20 मिनट चल जाए, भगोने को हमें कवर कर देना है। चलिए दोस्तों अब बैटर में हम डालते हैं इनो सॉल्ट। दोस्तों बैटर रेडी है अब इसमें हम इनो सॉल्ट डाल देंगे। इनो सॉल्ट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि इनो सॉल्ट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इनो सॉल्ट डाल के इसको बहुत जल्दी चलाएं, इसमें बबल बनेंगे बहुत जल्दी। वो जो हमने बर्तन लिया था उसे ग्रीस करा था उसमें हम डाल देंगे। दोस्तों हम भगोने में रख लेंगे, भगोना दोस्तों गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ठीक से इसे रख लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। भगोने को मैंने दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दिया है, जितने में हमारी ढोकला तैयार होता है इतने में उसके हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए दोस्तों एक पैन लिया जिसमें घी ले लिया मैंने, देसी घी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप चाहें तो रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। दाना डाल लेंगे सबसे पहले दोस्तों हमें, साथ ही साथ हरी मिर्च काटी देंगे। कड़ी पत्ता थोड़ा सा नमक, अब इसमें पानी डालेंगे हम। ध्यान है हल्के हल्के पानी डालना है हमें, तो ही मसलाना चटक के आ जाएगा। करीबन 2 से 3 कप पानी डाला है मैंने दोस्तों। इसमें मैं डाल रहा हूँ नींबू, करीबन 1 नींबू लिया है मैंने, ये आपको मैं इंग्रीडियंट बताना भूल गया था। खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आता है। मीठे के लिए दोस्तों हम चीनी डालेंगे, करीबन सारी चीनी डाल लेंगे इसमें। चीनी डाल के चला लेंगे,
तब तक चलाएं जब तक चीनी हमारी पूरी घुल ना जाए। चाशनी हमारी दोस्तों रेडी हो गई है, इसको उतार लेते हैं गैस से। चाशनी बनके रेडी है हमारी, हम चेक कर लेंगे ढोकले को। दोस्तों हम चाकू की हेल्प से चेक करेंगे, अगर इस पे लग के आता है तो ये अभी ढोकला कच्चा पका नहीं है, अभी हमारा ढोकला लग के नहीं आया तो इसका मतलब ये पक गया है, इसको हम निकाल के लेंगे। तो ढोकला निकाल लिया है मैंने, अब इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद ही एक प्लेट पे निकालेंगे। ढोकला ठंडा हो गया दोस्तों, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे, निकल गया तो उसको पीसेस में काट लेंगे। मैं आपको दिखा दूं कितने पफ भी बने हैं दोस्तों। ढोकला बन के रेडी है, इस पर हमने जो चटनी बनाई थी चाशनी की उसको डाल देंगे। आपका ढोकला बिल्कुल बन के रेडी है, आपकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। दोस्तों YouTube के साथ साथ आप हमें हमारे नए ब्लॉग www.khanabanao.in पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने दोस्त शोभित को इजाजत दें, अगली बार फिर किसी नई रेसिपी के संग हाजिर होता हूँ, तब तक लिए गुड बाय।